इन रियलिटी ही सच अ हम्बल पर्सन, ही सच अ सॉफ्ट स्पोकन पर्सन। वो ऐसे डायरेक्टर नहीं थे कि वो एक्टर को बाउंड कर दे। आपने सनी देओल के साथ काम किया और हमने सनी बाजी को ऑन स्क्रीन देखा है, और हमें हम अगर जो उनको ऑन स्क्रीन बाहर से देखता है उन्हें लगता है कि ही इज काइंड ऑफ अ वेरी यंग एंग्री मैन, क्योंकि उनके रोल्स काफी हद तक वैसे रहे हैं, राइट? तो क्या वो रियल लाइफ में भी वैसे ही है या फिर कुछ डिफरेंट है? नहीं, ये जो उनकी एक जो पर्सोना है और जो एक जो उन्होंने एक इमेज क्रिएट कर रखी है एंग्री मैन, वो इट आई थिंक फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस इट्स ओनली टिल द सिनेमा, बिकॉज इन रियलिटी ही सच अ हम्बल पर्सन, ही सच अ सॉफ्ट स्पोकन पर्सन कि वो इतनी इतना सॉफ्ट बोलते हैं कि उनकी जब वो स्टोरीज एंड व्हेन ही यूज्ड टू नरेट द स्क्रिप्ट, आई यूज्ड टू गो लिटिल क्लोजर टू हिम सो दैट आई कैन हियर हिम प्रॉपरली। सो जो एंग्री मैन जो एक आता है, जो उन्होंने एक इमेज बना रखी है, जो पीपल लव हिम फॉर दैट, आई थिंक दैट इज ओनली लिमिट टिल द स्क्रीन, एंड इन रियलिटी इज अ वेरी हेल्पफुल, वेरी काइंड एंड वेरी सॉफ्ट स्पोकन पर्सन। That's एंड व्हाइल wonderful. शूटिंग माय मूवी आल्सो ही गेव मी द लिबर्टी टू परफॉर्म, लाइक ही वो ऐसे डायरेक्टर नहीं थे कि वो एक्टर को बाउंड कर दें या कि ही हैज समथिंग इन हिज माइंड कि ऐसे ऐसे, तो ही यूज्ड टू गिव मी द लिबर्टी टू परफॉर्म आल्सो कि यू शो व्हाट यू हैव प्रिपेयर्ड, देन अकॉर्डिंगली आई विल एक्ट लाइक पुट माई कैमराज फॉर यू। सो आई हैड अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम। दैट्स वंडरफुल. और अगर आप किसी सीनियर आर्टिस्ट के साथ काम करते हैं तो आपको फॉर श्योर कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है. तो क्या कोई ऐसा लाइफ लेसन है जो आपको उनसे सीखने को मिला है जो आपको आगे भी काम आएगा? जी, मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। फर्स्ट ऑफ ऑल, ही सो ग्राउंडेड, लाइक रीचिंग लाइक रूलिंग इंडस्ट्री फॉर द कपल लाइक सो मेनी इयर्स, लाइक ऑलमोस्ट 25 इयर्स, मोर देन 25 इयर्स ही इज बीइंग द पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री एंड स्टिल मेंटेनिंग दैट इमेज एंड मेंटेनिंग दैट इमेज, और वो सारी बातें जो है और जो इन्होंने एक रिस्पेक्ट जो अर्न करी है एंड द काइंड ऑफ वर्क ही इज डूइंग, इट इज कमेंडेबल। मतलब उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला वाइल शूटिंग।